नमस्कार, न्यूज एंड व्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्दीकी, मैं गीत दीक्षित। तो चलिए न्यूज एंड व्यूज में पहले एक बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा दफ्तर पहुंचे हैं। SC ST की बैठक में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री। CM शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज भोपाल दौरे पर हैं। वह यहां थोड़ी ही देर में बीजेपी दफ्तर, बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो प्रदेश कार्यालय में होने वाली SC ST मोर्चा की महत्वपूर्ण प्रदेश स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और CM शिवराज सिंह चौहान भी प्रमुख तौर पर शिरकत करेंगे। वहीं इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव के साथ भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद इन दोनों बैठकों को संगठन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री तोमर ने भोपाल दौरे पर पहुंचकर क्या कुछ कहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक है, और उस बैठक के निमित्त ही मेरा यहाँ आना हुआ है। पार्टी को और विस्तारित करने की दृष्टि से, उन क्षेत्रों में पार्टी को और मजबूत करने की दृष्टि से बातचीत होगी, और संगठनात्मक विस्तार कैसे दिया जाए पार्टी को, इस मामले में आज बातचीत होगी। प्रधानमंत्री जी ने तो दीक्षित जी, जिस तरीके से बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब ये जो बैठक है, इसके बाद के कार्यक्रम हम जानना चाहेंगे। जो कल कार्य समिति की बैठक हुई, उसके बाद और कौन कौन सी बैठकें आज? अगर पिछले एक हफ्ते का दौर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि भाजपा लगातार चिंतन और मंथन के दौर में है। सबसे बड़ी बात है कि पहले पदाधिकारियों की बैठक, फिर प्रदेश अध्यक्ष की मंडल, और फिर मंडल के लोगों से सीधे संवाद। ये तमाम जो ये बातचीत, ये मुलाकात, ये संवाद जो हो रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा को नीचे स्तर तक संगठन को और मजबूत बनाना, मजबूत तो संगठन है ही, लेकिन और क्या कहीं कहीं कमी बेशी ना रह जाए, इसको लेकर कार्य समिति की बैठक की अगर जिक्र करें अपन, तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें भी ये संदेश निकल के आया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ, संगठन की कार्यनीति, और आगे कैसे विस्तार से के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है, संगठन का हर वो बड़ा नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, उसकी कैसे जिम्मेदारी तय की जाएगी, इसको लेकर भी तमाम बातचीतें हुई हैं। भाजपा ने अपने आगे कार्यक्रम के लिए पूरी टीम तैनाती कर ली है, और उसको लेकर, और आज जो महत्वपूर्ण बैठक है खासकर मोर्चा की, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि सबसे बड़ा फोकस होगा STSC बैंक को और आदिवासी बैंक को जो है मजबूत करने को लेकर। और इस क्योंकि भाजपा में अक्सर ये देखा जाता है, मैं आपको बता दूं कि भाजपा अपनी टीम को मजबूत करने के लिए, और कम से कम हर समय जिसको कहते हैं कि इलेक्शन मोड पर हमेशा भाजपा तैयार रहती है, और यही शायद उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा संगठित होकर पूरे कार्यक्रम करती है और अपने आने वाली योजनाओं पर क्रियान्वयन की तरह जुट जाती है। बिल्कुल चलेगी दीक्षित जी। तो इसी के साथ हमारी संवाददाता अनन्या चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनन्या, जिस तरीके से बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब ये जो दो बैठकें हैं, उनको संगठन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। बिल्कुल, एकदम देखिए कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो है कल खत्म हो चुकी है, और ऐसे में आज जो संगठन जो है अनुसूचित जाति जनजाति वोट बैंक पर जो है अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो पहुंच चुके हैं भाजपा कार्यालय, और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में जो है दोपहर के बाद हिस्सा लेंगे। दो चरणों में होने वाली इस बैठक में जो है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही इनकी टीम के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि विष्णु शर्मा की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद भी जो है SC ST मोर्चा की कार्यकारिणी के गठन का इंतजार किया जा रहा है, और ऐसे में जो तैयारी हो चुकी है, लेकिन जो मतलब इस कार्यकारिणी की तैयारी हो चुकी है लेकिन इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो अभी कभी कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक रहा है अनुसूचित जाति जनजाति, उस पर भाजपा के सत्ता में रहते हुए जो है अपनी पकड़ मजबूत बनाई थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर पकड़ मजबूत साबित कर दी थी इस वोट बैंक पर, जिससे कई सीटें भाजपा के हाथ से निकल गई थी। एक बार फिर 2023 विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए जो है
अनुसूचित जाति जनजातीय वर्ग जो है पर फोकस बना रहा है, अनुसूचित भाजपा जो है फोकस बना रही है, और भाजपा प्रदेश कार्य समिति की टीम भी आदिवासी पर जो थीम थी उस पर केंद्रित थी। कल का जो हमने पूरा भाजपा कार्यालय का डेकोरेशन देखा या रूपरेखा देखी, वहां की सभी जो है वो आदिवासी थीम पर केंद्रित रहा है। तो ऐसे में इन दिनों जो है भाजपा कई सारे चिंतन मंथन में चल रही है, यानी कि भाजपा में कई सारे चिंतन मंथन चल रही है जो संगठन को मजबूत बना सकते हैं, और ऐसे में ये वोट बैंक जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में साथ ही अगर बात करें आज की बैठक की, तो जिला स्तर पर कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर नड्डा और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा के एजेंडे को जो है उन्होंने जो एजेंडा बनाया है उसे जमीनी स्तर पर जो है किस तरीके से उतारा जाए, किस तरीके से उसका क्रियान्वयन किया जाए, इस पर जो है लगातार यहाँ पर चर्चा जारी है। एक बात और है कि शिव प्रकाश जी ने कल जो बैठक में एक महत्वपूर्ण बात कही थी, उन्होंने कहा था कि समाज का एक ऐसा तबका है जिसे भाजपा पसंद, वो जो भाजपा पसंद है लेकिन उसमें वो जो है भाजपा वो भाजपा पसंद करता है लेकिन अपना नहीं मानता है, तो ये अपना मानने वाली बात उन्होंने कल कही है, इसके काफी सारे मायने निकाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश है कि इस वर्ग को जो है भरोसा जीत, इस वर्ग का हम भरोसा जीते। साथ ही उनका इशारा SC/ST वोट बैंक की तरफ साफ था, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कह सकते हैं वोट बैंक है वो ग्वालियर चंबल और भिंड की राजनीति में अलग से देखा जा रहा है, वहां पर काफी महत्व भी है। तो आप समझते हैं कल की पूरी बैठक में सार ये निकल के आया कि संगठन को मजबूत कैसे करना है, विपक्ष से कैसे लड़ना है, साथ ही अब आगे जो चुनौतियां खड़ी है उसको किस तरीके से कह सकते हैं कि पार करना है, इन सबके बारे में कल चिंतन मंथन हुआ। आज की जो बैठक है, अब आज की बैठक एक विशेष कह सकते हैं कि विषय पर यहाँ पर आयोजित की जा रही है जिसमें तमाम बड़े चेहरे रहने वाले हैं, यही मंत्री जो है कल केंद्र जो रहे थे वर्चुअली लेकिन आज जो है एक्चुअल बैठने वाले हैं, तो इन सभी बातों का कई सारे जो है मतलब निकाले जा सकते हैं। ऐसे में जब संगठन जो है अब इसके पहले जो है संगठन जो है कहीं ना कहीं कोरोना की दूसरी लहर में रुक गया था अपने कार्यों में अपनी योजनाओं में, लेकिन अब जो है संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए उस फिर से जो कह सकते हैं कि तेजी लाने के लिए योजनाओं में और कार्यान्वयन में इसको लेकर संगठन ने अब तेजी ला दी है, और ऐसे में आज जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। जो अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा वोट बैंक है उसके ऊपर किस तरीके से फोकस भाजपा करती है, अब इसके ऊपर रणनीति किस तरह से बनती है ये आज की बैठक में तय हो जाएगा, और जो महत्वपूर्ण सदस्य है टीम बीडी के उनको जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। जी अनन्या, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाजपा लगातार जो हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से चिंतन मंथन के दौर में है, संगठन को मजबूत करने की रणनीति बन रही है, और खासकर अगर देखा जाए राजनीतिक लिहाज से तो जो आगामी जो चार उपचुनाव हैं, इसमें एक लोकसभा है और तीन विधानसभा है, उसके बाद जो है नगरीय निकाय चुनाव की बात कर लें, चाहे पंचायत के चुनाव कर लें, चाहे मंडी के स्तर की बात करें, फिर उसके बाद 2023, क्या ये मानकर चलें कि भाजपा इलेक्शन मोड पे आ रही है धीरे धीरे? बिल्कुल, जिस तरीके से कल पूरी बैठक हुई, जिस तरीके से तमाम बड़े नेता इकट्ठे हुए, क्योंकि देखिए अब से बात करके कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई है जो तीन साल बाद लगभग विस्तारित रूप से हुई है, कल की बात ये बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वीडी शर्मा ने कही थी कि ये उनके लिए भी नया अनुभव था वर्चुअली जुड़ना और सबको बात करना, खुद से जो है चर्चा करना पार्टी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर साफ बात है कि जिस तरीके से केंद्र से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता पूरी बैठक में जुड़े, तो साफ बात है कि बूथ लेवल को मजबूत करने की बात कल खुद बीडी शर्मा ने कही थी, और ये साफ इशारा करता है कि चुनाव के लिए जो है भाजपा अपने आप को तैयार कर रही है, संगठन जो है वो और मजबूत हो रहा है। कल कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को भी यही जिम्मेदारियां सौंपी गई है कि वो हर चीज को जो है एक आम आदमी तक कैसे पहुंचाएं, संगठन की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, जो अभी तक कार्य किए गए हैं, उपलब्धियां हैं, उन्हें किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, उन्हें किस तरीके से बताया जाए, लगातार उसमें विचार विमर्श चल रहा है। इतने दौरों की बैठक है, आपने भी देखी, हमने भी देखी, जिस तरीके से पूरी बैठकें चली हैं, जो बैठकों का दौर चला है अभी भी जारी है, और ऐसे में कई और महत्वपूर्ण बैठकें आगे भी होनी है। तो कल जो एजेंडा तय किया गया है, जो प्लानिंग की गई है, उसका कह सकते हैं कि पहला हिस्सा जो है आज है, पहली बैठक जो है वो आज है उसके बाद की, और आज की बैठक में जो है अब चुनाव के लिए नया से देख लिया जाए या फिर उसे संगठन को मजबूत करने के लिहाज से देख लिया जाए, इन सभी को देखते हुए जो है अब संगठन अपने जो कह सकते हैं कि प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दिशा में बढ़ चुका है। बिल्कुल, चले बहुत शुक्रिया अनन्या पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गीत दीक्षित जी आपकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका DNA न्यूज पर। धन्यवाद राकेश जी। सवाल आपसे यही, क्योंकि जिस तरीके से कल की अगर हम बात करें तो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल ही खत्म हुई है, और अब अगर हम बात करें जो ये बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, तो क्या अनुसूचित जाति जनजाति वोट बैंक पर भाजपा का इतना फोकस क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी जाति विशेष की राजनीति कभी भी नहीं करती। आपने देखा कि हमारे जो सेवा कार्य हो पार्टी के या हमारी सरकार की योजनाएं, हर वर्ग के लिए वो योजनाएं रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हुई उसमें कुछ बातें निकल के आई हैं, कुछ निर्णय हुए हैं,
उसके बारे में चिंतन करने के लिए वरिष्ठ नेता आज बैठेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या नए कार्यक्रम केंद्र ने दिए हैं उसके बारे में विचार होगा, प्रदेश में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए विचार होगा। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है और इसको ना राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। और मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि मैंने सुना था कि कांग्रेस की भी बैठक होने वाली है पर कांग्रेस के सीईओ कमलनाथ जी का मन नहीं हुआ, मूड नहीं हुआ तो उनने बैठक करने से इनकार कर दिया। यही अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह एक संगठन है जिसमें संगठन और परिवार एक निर्णय करता है। यहाँ कांग्रेस में सीईओ साहब ने निर्णय कर लिया वो सब पे लागू हो जाता है या थोप दिया जाता है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता जो जुड़े हैं उनसे जरूर ये जरूर पूछिए कि आपके अलावा आपके अलावा हमारे साथ कांग्रेस का कोई नहीं जुड़ा, हम आपको ही भाजपा की बात रखने के लिए जुड़े हैं। नहीं गीत जी, मेरा ये निवेदन है, आप तो बड़े बड़े पत्रकार हैं और हिंदुस्तान में आपका नाम है, आप लगातार राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज को बड़ी बारीकी से लेके चलती है। आज कल हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें बहुत सारी बातों पर विचार हुआ है, बहुत सारी बातों पर मंथन हुआ है, उसको लेकर आज बड़े नेता बैठेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्या रीति और नीति को लेकर आगे बढ़ेगी, कैसे हम जनता के बीच और करीब जा सकेंगे, कैसे और जनता की सेवा कर सकेंगे, इसके बारे में आज विचार होगा। देखिए राकेश जी, एक चीज समझना चाहता हूँ, ये तो अक्सर हम देखते आ रहे हैं चूंकि भाजपा बहुत बड़ा संगठन है, बहुत जमीनी स्तर पर काम करता है, क्या ये जो लगातार बैठ के चिंतन मंथन का जो दौर चल रहा है इसको ये माना जाए कि क्या भाजपा इलेक्शन मोड पे, लेकिन हमेशा भाजपा इलेक्शन मोड पर ही रहती है, लेकिन खासकर फोकस करना छोटे छोटे वोट बैंक को कहूँगा, जिसको मैं अगर जर्नलिज्म की भाषा में कहूँगा तो ST SC की बात करें, चाहे OBC की बात करें, चाहे जो है आदिवासियों की बात करें, तो भाजपा इस पॉकेट्स को मजबूत करते हुए आगामी 4 उपचुनाव और फिर जो है पंचायतों के चुनाव उसको लेकर फोकस है। निश्चित रूप से गीत जी, मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव होना है जी। 3 विधानसभा के उपचुनाव होना है, 1 लोकसभा का उपचुनाव होना है, नगर निगम के चुनाव होना है, नगर पालिका के चुनाव होना है, पंचायत के चुनाव होना है। ये इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि चुनाव मध्य प्रदेश में होना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पिछले आपने देखा COVID-19 के काल में किस तरह से जनता के बीच लगातार रही। आप देखिए कि जब हम टीका महाअभियान चलाते हैं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय युवा हृदय सम्राट BD शर्मा जी लोगों के घर पीले चावल देने जाते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जो भगवान के वरदान है वो लगातार जनता के बीच रहे, जनता अधिकारियों की बैठक की जनता के बीच रहे। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आप ये देखिए कि आप अनुसूचित जाति जनजाति की बात जब करते हैं तो हम पिछले 70 साल से कांग्रेस को सिर्फ इन वर्ग के बारे में बात करते हुए सुनते रहे। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है इस वर्ग के लिए काम हुए हैं और उस वर्ग के लिए जो काम हुए वो हमारे कार्यकर्ता वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। हमारे अनुसूचित जाति का मोर्चा भी है, आदि अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, ये मोर्चे भी लगातार काम करते हैं और इस वर्ग के बीच जाके काम करते हैं। और अगर पार्टी आज उनके लिए काम कर रही है तो उनको बता रही है कि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं, हमारी ये योजना है, आपके भविष्य के लिए ये योजना है। ठीक बात, चले, बहुत शुक्रिया राकेश शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो गीत दीक्षित जी, जिस तरीके से अभी हमने राकेश शर्मा जी को भी सुना, आपने सवाल उनसे किया कि जिस तरीके से अगर हम आगामी चुनाव की बात करें और ये जो बैठक है कल जो कार्य समिति की बैठक हुई, सब में अर्थ यही निकल कर आया कि जिस तरीके से बस संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि अगर हम पिछली कुछ तस्वीरें उठा के देखें तो दमोह उपचुनाव में जिस तरीके से BJP को हार मिली थी, तो लगातार BJP अब इस कोशिश में है कि आगे वाले जो आगामी चुनाव हैं उनमें कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें सामने ना आए। देखिए इरम, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, भाजपा और कांग्रेस की राजनीति करने के तरीके बहुत अलग अलग हैं। सबसे बड़ी बात है भाजपा जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी से मेरा तात्पर्य है कि वो बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता तक समन्वय स्थापित करने के लिए और साथ में काम करने के लिए एकजुटता के साथ जुटते हैं और यही कारण है कि अब वो इलेक्शन मोड में हमेशा रहते हैं। इलेक्शन मोड से मेरा तात्पर्य रहता है कि कभी भी कोई भी चुनाव हो जाएगा तो उसको उनको तैयारी नहीं करना पड़ती है, वो आले तैयार। लेकिन हाँ, और मजबूती से हम कैसे जनता के पास जा सकते हैं, सरकार की योजनाओं की बात कर लें चाहे संगठन के कार्यक्रमों की बात कर लें, इसको लेकर भाजपा हमेशा से जो है अपने आप को तैयार रखती है और उसके नेता और कार्यकर्ता और यहां तक कि जमीनी स्तर के जो पार्टी के कारकुन हैं वो सब तैयार रहते हैं। ये एक भाजपा की तारीफ है। लेकिन कांग्रेस के अंदर लगातार बैठकों का जो दौर होना था वो अभी किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, लेकिन भाजपा के साथ साथ मुझे लगता है कांग्रेस भी इरम इलेक्शन मोड पर आने के मूड में है, क्योंकि इलेक्शन की तारीखें कभी भी घोषित हो सकती हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन अभी चूंकि कोरोना संक्रमण
काल था, इस कारण इलेक्शंस की डेट नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने में दोनों ही दल चुनाव को लेकर मजबूती के साथ और मुस्तैदी के साथ जुड़ गए हैं, रणनीति बनाने लगे हैं। रणनीति के साथ साथ जो है मंथन और चिंतन का दौर शुरू हुआ है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से भाजपा में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, इसका अर्थ है कि भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश में यहाँ पर लगी हुई है। तो केंद्रीय मंत्री तोमर का आज भोपाल दौरा है, सीएसटी मोर्चे की बैठक में वो शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ में कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो केंद्रीय मंत्री तोमर संगठन के नेताओं से भी यहाँ मुलाकात करेंगे। तो चलिए रुख करते हैं दीक्षित जी अपनी अगली खबर की तरफ। राज्य सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है और प्रदेश में 1 से 31 जुलाई तक ट्रांसफर हो सकेंगे। पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पदों को भरा जाएगा और कोरोना से गंभीर बीमारी होने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। बीमारी के आधार पर तबादले रोके भी जा सकेंगे। नई पॉलिसी के मुताबिक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही होंगे और तो वहीं प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर किए जाएंगे। ध्यान रहे अभी ट्रांसफर को लेकर सैकड़ों आवेदन लंबित हैं। तो गीत दीक्षित जी, मध्य प्रदेश में नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी गई है, 1 से 31 जुलाई तक अब तबादले यहां पे होंगे। देखिए अब इसके दो अर्थ निकलेंगे बिरम। सबसे बड़ी बात है कि देखिए विपक्ष फिर मजबूती से तबादलों को लेकर कटाक्ष करेगा सरकार पर, लेकिन सरकार को तबादले सीमित समय में करना पड़ेंगे और सीमित समय में करने का तात्पर्य ये रहता है कि बाकी कामकाज प्रभावित ना हो। तबादलों का एक महीना रहेगा, इस दौरान जिसको जहाँ तबादला लेना है वो तबादले के स्थान पर स्थानांतरण लेकर विभागीय सहमति से लेकर वो अपने तबादले के मनचाहे स्थान पर जा सकता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी जिस तरह से गाइडलाइन जारी हुई है, जिस तरह से पॉलिसी जारी हुई है, उस आधार पर तय किया जाएगा कि आवश्यकता किसकी कितनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मेरी जानकारी है कि जो एससी वाले जो क्षेत्र हैं, खासकर जो पद भरे नहीं हैं, खाली हैं, उन पर जो है प्राथमिकता के आधार पर पहले उनको ट्रांसफर्स किए जाएंगे, वहाँ जो है पद स्थापना की जाएगी। साथ ही जो है कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से जूझने वाले कर्मचारियों को भी प्राथमिकता के आधार पर दिया गया है कि वो अपने इलाज और अपनी परिवार की सुरक्षा के साथ रह सकें, ऐसे पर भी प्राथमिकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आवेदन लगातार होते रहेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप 31 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन होंगे, लेकिन इसमें मुझे जो मेरी सूत्रों की जानकारी, इसमें पौवेबाजी नहीं चलेगी। इसमें जो है देखा जाएगा आधार ट्रांसफर का क्या है। ट्रांसफर का अगर नैतिक अधिकार है और वाकई में जायज माना जाता है तो ट्रांसफर पॉलिसी के आधार पर कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा। सबको वेरिएशंस में बांट दिया गया है कि कौन किसका ट्रांसफर करेगा। विभागीय स्तर पर जांच के आधार पर जो है फिर ट्रांसफर किए जाएंगे। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी जारी है। तो इसी पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। रवि अवस्थी जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी जारी की गई है तो इसमें सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों के जो खाली पद हैं, सबसे पहले उनको प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। देखिए बिल्कुल रमन जी, दरअसल तबादला नीति दो साल के बाद आई है और 2019 में जब कमलनाथ सरकार थी तब उन्होंने 5 जून से 5 जुलाई के बीच में इसको लागू किया था और ये तबादला की जो मांग है लंबे समय से हो रही थी और मई में ये तबादला नीति आना था, लेकिन कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसको देखते हुए अब जो है इसमें लेट हुए हैं। निश्चित तौर पर अब चूंकि स्कूल इस बार शुरू नहीं हो रहे हैं इसलिए इस तबादला नीति से उतना अधिक प्रभावित नहीं होंगे लोग, लेकिन फिर भी जो तबादला जो नीति आई है, देखिए इसमें दो मुझे विसंगति मोटे तौर पर नजर आ रही है। एक तो इसमें कहा गया है कि देखिए प्रभारी मंत्री अनुशंसा करेंगे। पहली बात तो यह कि सरकार ने प्रभारी मंत्री जिलों के बनाए ही नहीं है। अभी तक जो प्रभारी मंत्री हैं वो कोरोना संकट से निपटने के लिए बनाए गए हैं, अब वो कौन से प्रभारी मंत्री होंगे ये स्पष्ट नहीं है इस नीति में। एक तो दूसरा, एक और पतली गली इसमें निकाली गई है जिसमें ये कहा गया कि कोई विभाग अगर अपनी तबादला नीति बनाना चाहे तो वो सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेके ऐसा कर सकता है। तो आप सोचिए कि अगर सभी विभाग जो अपने मनमाफिक तबादला करना चाहेंगे इस नीति से हटकर तो वो अनुमति लेके ऐसा कर सकेंगे। तो ये दो जो क्लॉज इसमें दिए गए हैं ये क्यों दिए गए हैं ये समझ से परे। पहली बात तो आपने जिलों के प्रभारी मंत्री नहीं बनाए तो कौन, अगर अब जिलों में जिला स्तर पर जिसमें कहा गया कि डिप्टी कलेक्टर से लेके नायब तहसीलदार तक जो है प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से तबादले हो सकेंगे, इसके अलावा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है उनके प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से हो सकेंगे, तो वो कौन से प्रभारी मंत्री होंगे? कोविड काल के प्रभारी मंत्री होंगे या जिलों के प्रभारी मंत्री होंगे?
तो ये स्पष्ट इस नीति में नहीं है। ये करना चाहिए सरकार को कि अगर जिलों के प्रभारी मंत्री नहीं बनाए तो उसके घोषणा करना चाहिए कौन प्रभारी मंत्री होगा। तो निश्चित तौर पर तबादला नीति हर बार आती है, पिछले अगर 11 साल में देखा जाए तो ये छठवीं बार तबादलों से प्रतिबंध हटा है। इससे पहले 2010 में, फिर 16 में, 17 में, 18 में, 19 में भी तबादला नीति आई थी और देखा यह गया है कि तबादला नीति बन तो जाती है लेकिन इसका पालन नहीं हो पाता है और अंततः जो है वो सरकार ये एक उद्योग के तौर पर जब इसके तबादले होते हैं तो फिर सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी होती है और उससे इस बार मुझे लगता है कि अगर सरकार इस पर सख्ती से पालन करेगी तो शायद इसका पालन करा पाएगी। रवि जी, इसी से जुड़ा एक मेरा सवाल होगा और अंतिम सवाल है कि आपने दो बातों पर ध्यान केंद्रित कराया, एक तो प्रभारी मंत्री वाली बात पे और जो जिस तरह से पॉलिसीज बनाई गई है उसमें, क्या अगर सरकार को संज्ञान में आता है जिस तरह से आप और हम संवाद कर रहे हैं, ऐसे कई लोग संवाद करते होंगे, तो क्या उसको रिव्यू करके जो है सुधारा जा सकता है या प्रभारी मंत्रियों की तैनाती की जाएगी या ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि जो कोविड प्रभारी मंत्री वही इसका अनुमोदन कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए आपको दस्तावेजी तौर पर तो कुछ ना कुछ स्पष्ट करना ही पड़ेगा ना कि कौन प्रभारी मंत्री है, कोविड काल के प्रभारी मंत्री हैं या जिलों के प्रभारी मंत्री तो अभी बना ही नहीं गया है। ठीक बात है। और दूसरा जो आपने कहा है कि भाई कोई विभाग अगर चाहे तो कौन विभाग ऐसा होगा जो ना चाहेगा, जो अपने मनमाफिक तबादले ना करना चाहेगा? सारे विभाग कहेंगे कि ठीक है, हमें अनुमति दीजिए, हम अपनी तबादला नीति अलग बनाते हैं। तो ये दो क्लॉज इसमें जो डाले गए हैं वो निश्चित तौर पर जो है वो तबादला नीति को मैं विसंगतिपूर्ण मानता हूँ और इसमें स्पष्ट करना चाहिए। और इसके अलावा देखिए आपने एक, हालांकि बहुत अच्छी बात इसमें एक ये कही गई है कि जो अभी तक जो गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित लोग होते थे उन्हें छूट रहती थी कि वो तबादले करा सके, इसमें कोविड को भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा एक अच्छी बात ये इसमें ये कही गई कि एक साल पहले जिनके तबादले उनके दोबारा तबादले नहीं होंगे, अगर होते भी करना भी है तो फिर वो मुख्यमंत्री समन्वय से होंगे। ये और जहां तक देखिए तीसरी बात यह है कि जो पुलिस कर्मचारियों के तबादलों की बात की गई तो उसमें कहा गया कि पुलिस स्थापना बोर्ड जो है उसकी अनुशंसा करेगा। आप सब जानते हैं बेहतर तरीके से कि पुलिस स्थापना बोर्ड जो है एकमात्र महज एक औपचारिकता है, उसमें पुलिस स्थापना बोर्ड जैसी कोई चीज अस्तित्व में कागजी तौर पर है लेकिन व्यावहारिकता में वो कहीं नजर नहीं आती है। गीजी ये बिल्कुल साफ बात है। ठीक बात, बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया रवि अवस्थी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो गीत दीक्षित जी, जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश में नई ट्रांसफर पॉलिसी जो जारी कर तो दी गई है लेकिन अभी भी अगर ट्रांसफर को लेकर पहले से ही सैकड़ों आवेदन अभी भी लंबित है। नहीं देखिए, आवेदन तो लंबे थे चूंकि देखिए कहा ना कि दो साल बाद पॉलिसी जारी की गई है। सबसे बड़ी बात है कि डेढ़ साल तो अगर देखें इरम तो कोरोना संक्रमण काल का बड़ा दौर था, पहली लहर और दूसरी लहर, उस दौरान भी कई बार सरकार की पॉलिसी लागू नहीं हो पाई। जिन लोगों के, जिस तरह से इनडायरेक्टली अगर ये बात कहें रवि जी ने जो कही है साफ तौर पर कि जिनके रसूखदार लोग हैं उनके तो ट्रांसफर हो जाते हैं लेकिन जो मजबूरी के मारे हैं उनके ट्रांसफर नहीं हो पाते। लेकिन अगर इस पॉलिसी को अगर ईमानदारी से पाला किया तो मुझे लगता है पालन के साथ ही जो है अनुपालन हो गया तो आसानी से जो है ट्रांसफर जाएंगे। लेकिन एक यक्ष प्रश्न रवि अवस्थी जी ने बिल्कुल ठीक उठाया कि प्रभारी मंत्री करेंगे कि कोविड प्रभारी मंत्री करेंगे, ये अभी लाइन बहुत क्लियर होना, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी नहीं होगी, अभी भी एक हफ्ते का समय है, एक हफ्ते में तय हो सकता है कि क्या पॉलिसी के आगे क्या रिव्यू किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये दीक्षित जी, मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी जारी है तो 1 से 31 जुलाई तक तबादले यहाँ पे होंगे। तो पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पद भरे जाएंगे और आपको बता दें कि कोरोना से गंभीर मरीजों को भी यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। तो फिलहाल न्यूज़ एंड व्यूज की खबरों में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।